नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आशा है कि सभी लोग इस समय कुशल मंगल हैं और तैयारी में बिल्कुल जुटे हुए हैं, क्योंकि अब दिन रोज का रोज कम होते जा रहे हैं, एग्जामिनेशन नजदीक आता जा रहा है और कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत डीमोरलाइज भी हो रहे होंगे। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ रही है कि भाई पेपर पार होगा या नहीं। तो दोस्त, इस चीज का हल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है और दूसरा अपने आप को थोड़ा बहुत पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। अननेसेसरी टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ अपनी तैयारी पे पूरा जोर लगाएं ताकि आपका कोई भी चीज मिस ना हो। जितना आपने पढ़ा वहीं से पेपर बन जाएगा जी, यू जस्ट नीड टू कीप रिवाइजिंग द थिंग्स। क्लियर है? जितना आप ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना बेहतरीन आप पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स पे जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हर क्लास में अनाउंस किया था, बाय द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी लॉन्चिंग दिस करंट अफेयर सेशंस, सो जस्ट चेक आउट दीज सो दैट यू कैन ज्वाइन And comprehensively prepare us, right? तो यही था जी आज का सेशन का। स्टार्ट करेंगे आज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे थॉरली। रिक्वेस्ट है जी जल्दी जरा एक बारी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन में जुड़ सकें जी। अवार्ड सेक्शन जो कि आज हम कवर करने जा रहे हैं, आई एम 100% श्योर, और भाई बाय द एंड ऑफ द सेशन ये भी बता के जाऊंगा इन 50 में से किन 10 में से क्वेश्चन आना। क्लियर है जी? ये भी पूरी तरह आपको बताया जाएगा कि किन 10 अवार्ड्स में से पक्का श्योर है क्वेश्चन, बाकी इधर उधर के भी आ सकते हैं जी। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों, मैं किस बेसिस पर ये चीज कह रहा हूं कि इन्हीं में से आएगा, दैट इज अगेन द एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्लीज मेक श्योर, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर खोल के देखना शुरू करें। मेरा 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस इसी चीज पर है, यूपीएससी कहां से क्या क्वेश्चन बना रहा है, अवार्ड से क्या डाल रहा है, स्पोर्ट से क्या डालेगा, क्या हर बारी इसी सेक्शन से आ रहा है। पिछले 2 अटेम्प्ट से यूपीएससी ने करंट अफेयर्स भी थोड़े थोड़े टफ बनाने शुरू कर दिए हैं आपके सीडीएस के पेपर के, अगर आपको पता हो। क्लियर है जी? और वो कैसे, ही हैज स्टार्टेड पुटिंग अप बिट, थोड़ा और चीजें डालनी शुरू की हैं पेपर में, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, वो सब चीजें हमारी अच्छे से कवर हो जाएंगी इस सेशन में। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? तो चलिए अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। मेक श्योर यू टेक अ कॉपी एंड पेन वेन एवर यू आर अटेंडिंग माई करंट अफेयर क्लास, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देखोगे ना वो पीडीएफ का कोई फायदा होगा। बेस्ट होगा अपने पेन से साथ साथ लिखते रहे, जल्दी जल्दी रिविजन चाहिए, इसमें कुछ समझना नहीं है जी ज्यादा अननेसेसरी चीजें। इट्स जस्ट टू द पॉइंट, वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर, दैट इज वॉट वी नीड टू डू। सिंस डेली यू पीपल आर गिविंग मी, डेली आप मेरे को 1 घंटा दे रहे हो अपना शाम का, तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहूंगा कि अननेसेसरी चीजें पढ़ाऊं, अननेसेसरी चीजें हम करें, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात जो पेपर में आएगी। सबसे पहला मैं कह रही ना आया, मेरा सर जहां मर्जी कलम कर दीजिए, चाहे आपका सीडीएस का पेपर है, चाहे एनडीए का पेपर है, चाहे सीएफएफ का पेपर है, उन तीनों पेपरों के लिए ये करंट अफेयर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है जी। ज्ञानपीठ अवार्ड, इसको ज्ञानपीठ अवार्ड कहते हैं, 2 राइटर्स को मिला इस बार, डू रिमेंबर दिस वन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड राइट हैज बीन गिवन टू संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु। क्लियर है जी? जगत गुरु रंभाचार्य एंड उर्दू पोएट एंड लिरिसिस्ट गुलजार फॉर 2023। मैं कह जी मार्क कर लीजिए, किसी को पता है गुलजार जी का असली नाम क्या है? गुलजार एक पेन नेम है इनका,
जो आप पिक्चरों में गुलजार की पोएट्री सुनी है, शायद वो गुलजार नाम की जगह आपका उनका असली नाम भी डाल सकते हैं। किसी को पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था। प्लीज डू मार्केट, आई एम 110% श्योर एनडीए सीडीएस दोनों पेपरों में ये क्वेश्चन आएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया, जगत गुरु और गुलजार, दोनों याद रखिएगा। संस्कृत स्कॉलर, ये पंजाबी नाम है जी इनका असली नाम। मेरे भाई तूने फिल्म ही नहीं देखी इसका मतलब बॉलीवुड की। जल्दी जरा अगर किसी को नाम पता है चेक करके मेरे को बताइए, नेक्स्ट पे बात करेंगे जी। अगला जी, किस किस को भारत रत्न देने की बात हुई है, किनको अनाउंस किया गया। नंबर वन एलके अडवाणी, एमएस स्वामीनाथन, जिनका पता ना सभी को, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, कालड़ा भी है जी आगे, संपूर्ण सिंह कालड़ा। एंड देन नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह। इज एवरीबडी क्लियर। एक और है, किसी को पता कपूर सिंह को कौन सा दिया गया, कपूरी, ये भी आपने नाम सुना होगा कपूर सिंह, बिहार के जो दो बारी सीएम रह चुके हैं। बिल्कुल जी, ये पंजाबी नाम है कालड़ा, संपूर्ण सिंह कालड़ा, ही पंजाबी बेसिकली, बाकी ये पंजाबी पंजाबी के बात नहीं, वैसे बता रहा हूं। कपूरी सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया, वो भी इस साल अनाउंस भी हुआ था बिहार के। बाकी ये चार बंदे तो सभी को याद है, एल के अडवाणी तो आप सभी को याद है, बीजेपी से ही है, उनको भी भारत रत्न दिया गया जी, कपूरी ठाकुर बिल्कुल, एम एस स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। मेरे को चेक करके बताइए, पांच बंदों को मिला कि चार बंदों को मिला। नेक्स्ट आइए, पोस्टमसली मींस मरने उपरांत, इवन कपूरी ठाकुर को भी ऐसे ही मिला। He had fought for OBC's rights, backward classes के लिए काफी उन्होंने लड़ा, पांचों बंदे तो याद रहे। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर ने नई अवार्ड शुरू किया, कास्टिंग डायरेक्टर्स विल बी इंट्रोड्यूस टू द ऑस्कर्स बिगिनिंग विद 98th एडिशन इन 2026। इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, है भी टाइम पास, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। अगला काफी इंपॉर्टेंट है भाई, दिख रही है क्लियर स्क्रीन, नीमा सरीखानी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड। शी टुक द पिक्चर कॉल्ड द आइस बेड ईजीए। दिस फोटोग्राफी कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम यूनाइटेड किंगडम। नीमा सरीखानी, क्लियर है जी, इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम डैम श्योर ये भी पेपर में आता है जी, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखो तो दोस्त जरूर याद रखे, बिल्कुल इनको करना भाई, ट्राई टू कवर इट इन फोर, मतलब वन पेज एंड देन कीप ऑन डिवाइडिंग। इज एवरीबडी क्लियर। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2023, डैनियल बेरेनबॉयम एंड पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट अली अबू, इन दोनों को मिला इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, ये भी बार बार पेपरों में आता है जी, मार्क करते चलिए और लाइक भी करके नेक्स्ट रेज शेयर भी करिए भाई, क्योंकि भाई करंट अफेयर तभी मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगा, आगे भी बढ़ पाऊंगा आज के सेशन के बाद, इफ मोर पीपल आर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन, राइट। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस लिंक विद अदर पीपल, जल्दी जल्दी जरा शेयर कर दीजिए। चलिए, अली अबू, डैनियल बेरेनबॉयम, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। इंदिरा गांधी प्राइज, पीस प्राइज, पिछले और इसमें फर्क क्या है, फॉर डिसआर्मेमेंट सेम ही था, ये 2022 के लिए दिया गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड द ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोविड 19।
याद रखिए 2022 का और ये 2023 का, क्योंकि दोनों इसी साल अनाउंस हुए। 23 के तो याद रहेंगे आपको, 22 के भी याद रखना जी, राइट। और इवन उससे पहले प्रथम ऑर्गेनाइजेशन को मिला एनजीओ, सुना होगा सभी ने प्रथम भी। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनडीए सीडीएस पेपर, बुकर प्राइज फॉर 2023, आयरिश ऑथर पॉल लिंच, प्रॉफिट सॉन्ग। मार्क करिए इसको भी जी, लिखते रहिए जल्दी जल्दी, ज्यादा तेज हो गया तो मेरे को बताओ भाई। बुकर प्राइज फॉर 2023 पॉल लिंच की, प्रॉफिट सॉन्ग। और इन्होंने हराया किसको? चेतना मारूस डेब्यू नॉवल वेस्टर्न लेन। बुकर प्राइज भी हर बारी एनडीए सीडीएस के पेपर में आता ही आता जी, तो इसको भी मार्क करिए और याद रखिएगा पक्का, बुकर प्राइज 2023 पॉपुलर सॉन्ग, क्लियर है जी, प्रॉफिट सॉन्ग, आयरिश ऑथर पॉल लिंच। नेक्स्ट बढ़ेंगे जी अगला, लेट अस मार्क द अनदर वन, ब्लावात्निक अवार्ड फॉर यंग साइंटिस्ट। ब्लावात्निक अवार्ड फॉर यंग साइंटिस्ट, थ्री इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स आर अमंग 9 साइंटिस्ट फॉर दिस ब्लावात्निक अवार्ड फॉर यंग साइंटिस्ट इन यूके, क्लियर है, इन ट्रांसफॉर्मिंग मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अक्रॉस द कैटेगरीज। मिला किसको? राहुल आर नैयर, मेहुल मलिक और तन्मय भट्ट की जगह तन्मय भारत। मेहुल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई विल से, यूके का प्राइज है ब्लातविंद्र अवार्ड फॉर यंग साइंटिस्ट, राहुल मेहुल और तन्मय। नेक्स्ट बढ़ेंगे जी, मार्क करिए और लिखते रहिए, फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2023, मेंस बेस्ट मेन प्लेयर लियोनेल मेसी, मार्क कर लीजिए जी। विमेन फुटबॉल प्लेयर भी नाम याद रखना है, एटाना बोनमाती, एटाना बोनमाती फुटबॉल प्लेयर है विमेन्स की, मैनचेस्टर सिटी मैनेजर पेप गॉडेलिया बेस्ट मेंस कोच, याद रखिएगा कोच बेस्ट मेंस कोच पेप। और अगला, इंग्लैंड के कोच सेरिना विगमान टुक द विमेन्स प्राइज, इज एवरीबडी क्लियर? ये याद हो जाएंगे जी सभी को, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को तो मिला, और उसके बाद ये नाम याद रखना जी, बोनमती, एताना बोनमती, फिर मेरे भाई मैनचेस्टर सिटी के। नेक्स्ट वन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, देन अनदर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 का केपीपी नंबियार अवार्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स केरला सेक्शन कन्फर्ड केकेपी अवार्ड ऑन इसरो, चेयरमैन एस सोमनाथ, इनको दिया गया अभी अभी अवार्ड, एस सोमनाथ को केपीपी अवार्ड, जो कि देता कौन है? आई ट्रिपल ई, क्लियर है जी, नथिंग एल्स वी नीड टू रिमेम्बर, जस्ट रिमेम्बर किसको मिला, किस चीज के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट वन अगला मार्क करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया विंस प्रेस्टीजियस गॉवटेक प्राइज फॉर आई रेस्ट प्रोजेक्ट। इंडिया वॉज अवॉर्डेड द एमिनेंट गॉवटेक प्राइज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूएई देती है, एट वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट समिट। इंडिया वॉन इन द एआई गवर्नमेंट, एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज कैटेगरी, आई रेस्ट प्रोजेक्ट दैट यूटिलाइजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ट्रांसफॉर्म रोड सेफ्टी, याद रखिएगा जी। इसको दुबई की सरकार ने हमारी भारत सरकार को यूज करने के लिए मिला, और क्या यूज करता था? आई रेस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ड प्रोजेक्ट है, किस चीज के लिए? रोड सेफ्टी के लिए।
नेक्स्ट वन द आर्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बाई शेख हमदाद बिन मोहम्मद अल. नेक्स्ट मार्क करिए, ये भी पक्का है, 32nd सरस्वती सम्मान अवार्ड. मैं कह रही ठोक दीजिए, ना आया तो मेरे को बताइए किसको मिला, लिखते जाइए कॉपी पे, ना आया ना तो मेरे को बिल्कुल यहीं पे आगे कमेंट करना जी. शिवा संकरी सरस्वती और शिवा संकरी किया गया, ये भी याद रखना जी. हर मेमोर इन तमिल सूर्य वंशम मार्क कर लीजिए, पक्का आना सरस्वती सम्मान अवार्ड. ज्ञानपीठ सरस्वती सम्मान 110% श्योर पेपर में बनने ही बनने हैं क्वेश्चन, जो मर्जी हो जाए. समझ आ रही है सभी को प्यारे मित्रों? याद रखिएगा शिवा संकरी. ठोको अगला, शशि थरूर. अभी शशि थरूर जी आपको पता ही है, इनको किस देश ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, ये भी आएगा. शशि थरूर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किस देश ने दिया, इट इज फ्रांस. इसी प्रकार कबीर बेदी को भी पिछले 3-4 महीनों में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया किसी देश ने, किसी को पता कबीर बेदी को किसने दिया? कबीर बेदी पता वैसे, बिल्ली आंखों वाला बॉलीवुड का हीरो तो नहीं, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में, कबीर बेदी आपने सुना होगा, डायरेक्टर भी रहे हैं, उनकी बेटी पूजा बेदी, उनको अवार्ड मिला किसमें, किस कंट्री ने दिया? ये तो शशि थरूर को तो फ्रांस ने दिया, उनको इटली ने दिया, देखेंगे अभी. मैं क्या जी करंट अफेयर का निचोड़ करवा दूंगा, प्रॉपरली निचोड़, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं बन सकता. अभी स्लोली स्लोली ग्रेविटी पकड़ेंगे और ठोक डालेंगे पेपर को. मारो जरा अगला जवाब, मार्क कर लिया प्यारे मित्रों? कबीर बेदी पता ही नहीं, खून पीने को सर्च करो. अगला जी, पहला भारतीय नागरिक जिसको नाइटहुड बाय ब्रिटेन किंग दिया गया, सुनील भारती मित्तल, अमीरों की ही पूछ की चली, जो कि एयरटेल के ऑनर है. इज एवरीवन क्लियर? इटली के साथ वैसे हमारे समझौते बहुत अच्छे चले हैं जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं. मैं कह जोड़ी इतनी बात बनती है ना, लगता ही मेड फॉर ईच अदर है. कभी कभी तो मेरा भी दिल लग जाता है उनके साथ. सुनील भारती मित्तल जो पहले भारतीय नागरिक जिनको नाइटहुड दी गई है ब्रिटिश सरकार द्वारा, याद रखिएगा जी. नेक्स्ट हो किए रोमन रोलैंड बुक प्राइज, पंकज कुमार चटर्जी. पंकज कुमार चटर्जी को नमस्कार क्यूटी, कैसे हो? बुला लें तो और चाहिए क्या जिंदगी में तुम बिना हैं? पंकज कुमार चटर्जी, 7th एडिशन ऑफ रोमन रोनाल्ड बुक प्राइज, मार्क कर लीजिए, ये भी आना है. क्लियर है जी? ठोको ताड़ी. अगला MS स्वामीनाथन अवार्ड, क्लियर है? साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर दिया जाता है. तो और ये जो BR कंबो है, कंबोज, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है, इनको मिला जी. इज एवरी वन क्लियर? कौन? BR कंबोज, इनको मिला MS स्वामीनाथन अवार्ड. और इनको दिया किसने? थावरचंद गहलोत. ये कुछ नहीं आना, बस इतना याद रखे. कब दिया गया? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वन हेल्थ वन वर्ल्ड, कहां पर हुआ ये? सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर में. ये भी आपको पता होना चाहिए. एवरी बॉडी इज क्लियर अबाउट दिस वन? मैं कह जी बातों बातों में 25 बंदे एक्टिव हो गए, मैं कह दिल्ली खुश हो गया. एक बार लाइक ठोक दीजिए सारे 25, खून पीड़ो, तुमको तरस नहीं आना मेरे ऊपर. अगला
आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर बीना मोदी, चेयरपर्सन ऑफ मोदी एंटरप्राइजेस हैज बीन ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर। मैं कह जी मार्क करिए ये भी। नेक्स्ट वन लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड प्यारे लाल शर्मा हैज बीन फैसिलिटेटेड विद द प्रेस्टीजियस लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। नेक्स्ट वन जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस डॉक्टर अदिति सेंडे विद द हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज। नेक्स्ट मार्क करेंगे जी भाई, इसमें कोई ये टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ देखने हैं नाम, जिनको थोड़ा थोड़ा देखना, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। क्लियर है जी? जरा बंदे जोड़िए सभी, मैं फिर से कह रहा हूं बंदे 24 हैं और लाइक अभी तक 20 हैं, तो लाइक ही मुझे मांगते रह जाना है। बढ़े आगे, चलिए फिर, चलिए इसरो को आइसलैंड का लेफ एरिक्सन लूनर प्राइज मिला जी फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग चंद्रयान 3 मिशन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू लूनर एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग सेलेस्टियल फिलोमिना। मार्केट एंड देन लेट्स मूव इट, आइसलैंड का लेफ एरिक्सन लूनर प्राइज, और कुछ नहीं याद करना जी भाई। पिछला भी हमने फाइल लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, ये भी विहान तालिया विकास स्पाइडर इन एन इंटरव्यूइंग पोजीशन विद लॉर्ड कृष्णा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन रोहिणी नैयर प्राइज दीनानाथ राजपूत, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू उन्होंने 6,000 ट्राइबल वुमेन इन छत्तीसगढ़ को बचाया। ये मार्क कर लीजिए, पक्का आएगा जी। इंजीनियर टर्न सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत, रोहिणी नैयर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट। Everybody is clear about this question also. मैं कह जी शर्मा जी आप बता दीजिए जितनी स्पीड करनी है, जब आप नेक्स्ट करोगे तभी नेक्स्ट होगा, नहीं तो होगा नहीं नेक्स्ट। ठीक है जी, तब तक मैं मशहूरी करता हूं भाई लोग, 50% ऑफ है, 30, 40, 20 नहीं 50। और अगर अब भी नहीं सब्सक्राइब कोई करे तो कसम जुबान जलेगी, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है जी। प्रतीक तक 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 तकसिला कोड लगा के सब्सक्राइब करके फिर देखिए कैसे पेपर अपने आप पार होता, ठोकी अगला और अगली बात करें। नेक्स्ट दुबे, ये भी मार्क कर लीजिए, व्यास सम्मान अवार्ड, व्यास सम्मान अवार्ड। क्लियर है जी? पुष्पा भारती यादें यादें और यादें, मैं कह जी बात ही अलग बन गई। पुष्पा भारती 33rd व्यास सम्मान 2023 अवार्ड पुष्पा भारती को जी को दिया गया। मार्क करिए, जो याद करना है उनको मैंने अलग कलर दे रखा ताकि आपको दिक्कत कोई परेशानी ना आए। समझ आ गया जी? के बिरला फाउंडेशन ही सारे देते हैं, ज्ञानपीठ ये भी व्यास सम्मान। क्लियर है जी? हिंदी राइटर को लिटरेरी वर्ल्ड का प्राइज है जी, और पुष्पा भारती, मैं कह रही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, फोको ताड़ी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2023 टाइम्स मैगजीन ने दिया टेलर स्विफ्ट। ठीक है जी,
comes on the heels of the her title at most played artist on Spotify. Widespread impact of her music and influence. Taylor Swift. चलिए ठोकिए अगला सवाल, अगला बात. एथलीट ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर अपना फिर से मैसी. ये भी लियोनल मैसी भी जमा ही पूत रहा पे है, सब कोई इसी को ही दे रहे हैं भाई, के बात है. सभी को पता ना अर्जेंटीना के लियोनल मैसी. नेक्स्ट बात करेंगे लियोनल मैसी के बाद. और इन्होंने 8th बैलन डॉर अवार्ड भी जीता आज. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया अवार्ड विच वॉज गिवन एट 19th इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड हेल्ड इन मुंबई. अगेन इसरो, इसरो. यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड पक्का आना. और यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 28 जो होना है इस बारी, 28 दुबई में था, वहां पर यूएन ग्लोबल एक्शन क्लाइमेट अवार्ड माइकल जराते फ्रॉम मैक्सिको, सेबास्टियन मोवारा ऑन केन्या आर सेट टू बी एनर्ड एट दिस थिंग फॉर क्रिएटिंग सस्टेनेबल रिजिलिएंट एंड इक्विटेबल कम्युनिटीज. क्लियर है जी, ये दोनों बंदों के नाम याद रखना, माइकल और सेबास्टियन, पक्का आएगा क्योंकि एनवायरमेंट के एस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम. एवरीबॉडी इज क्लियर, एवरीबॉडी इज क्लियर. कॉप 28 कहां पे हो रहा है? दुबई में. UN Global Climate Action Award. Next one. National Award for Best Personality Empowerment of Differently Abled. Prashant Agarwal, President of Narayan Seva Sansthan. Best Personality Empowerment of the Differently Abled, presented by Rashtrapati Draupadi Murmu. क्लियर हो गया जी, प्रशांत अग्रवाल को दिया गया अवार्ड फॉर डिसेबल्स, उनकी कंट्रीब्यूशन फॉर इज एनजीओ. मैं फिर से बता रहा हूं जी, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वेल रिसर्च्ड है, टू द पॉइंट है, क्योंकि वैसे बच्चे को चाहिए मसाला. मैं मसाला नहीं, बस वो दे रहा हूं जो पेपर में आना है, और यहीं से क्वेश्चन सारे बनेंगे करंट अफेयर्स के. क्लियर है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले पे. नेक्स्ट वन, एशियन अवार्ड्स इन रियाद. शीतल देवी बेस्ट यूथ एथलीट. क्लियर है जी, ऑफ द एशियन अवार्ड्स इन रियाद. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. शांति कांता दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, इनको ए प्लस रैंकिंग मिली है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट में. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, साकारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट. महासा आमिनी हु डाइड इन पुलिस कस्टडी इन ईरान एंड ईरानियन वुमेन प्रोटेस्ट मूवमेंट awarded the European Union's Sakharov Prize for Freedom of Thought. Very, very important. Mahsa Amini ko diya gaya Sakharov Prize of Freedom of Thought. Electoral bond pe bhai kya sawal banana. Next, maro thoko taadi. Very, 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 very important. Panjari very ka, ek rari nahi, panj bari. आना ही आना. इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय यूएस गवर्नमेंट फॉर 2023. इंडियन सोशल एक्टिविस्ट निखिल डे हैज बीन ऑनर्ड एज एन इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय द यूएस गवर्नमेंट फॉर 2023. सो डे इज द को फाउंडर ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन, राजस्थान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, द फोरफ्रंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एंटी करप्शन मूवमेंट. मार्क कर लीजिएगा जी,
निखिल डे, लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय एंटी करप्शन चैंपियन यूएस गवर्नमेंट ने दिया है किसको, निखिल डे को। नेक्स्ट, मजदूर किसान शक्ति संगठन, मां करिए ये आ गया कबीर बेदी। खून पीना, अगर मैंने पूछा होता ना कबीरा गाना किसने गाया, तुमको सारा पता होता है, रणबीर कपूर वाला कबीरा, ये तुम्हें कबीर बेदी नहीं पता। इटालियन हाईएस्ट अवार्ड मिला इनको, बिल्कुल जी, मुझे पता, दिल टूटा हो तो कबीर कौन नहीं सुनता, कबीरा हाय कबीरा तू कबीरा। नेक्स्ट, नंदनी दास प्रोफेसर इन इंग्लिश फैकल्टी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला नंदनी दास को। सारे बंगाली भाई बंधु हमारे प्राइज जीतते ही हैं। इज एवरीबॉडी क्लियर, से यस और नो। और प्यारे मित्रों, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कतराना नहीं, और जो भी आपका छोटा भाई बड़ा भाई जिसको भी एनडीए की तैयारी करनी, सीडीएस की तैयारी करनी, उनको ज्वाइन करवाइए अन अकेडमी प्लस पे, ठोकिए ताड़ी और अगला मारिए। कनाडा इंडिया फाउंडेशन अवार्ड, सुधा मूर्ति जी को मिला गया ये प्राइज, प्रेस्टीजियस ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय कनाडा इंडिया फाउंडेशन। इज एवरीवन क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लियर हो गया जी, सुधा मूर्ति जी को मिला। नेक्स्ट, टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तमिल राइटर अंबाई। मैं गया टाटा और अंबानी कहां पर एक ही खेत में, और पर अंबानी नहीं अंबाइया। क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे को भाई अभी पता नहीं, आएगा तो तुझे बताऊंगा, फिलहाल मुझे पता नहीं क्या क्या मिला उनको, उनको इतना अच्छा हस्बैंड मिला और क्या चाहिए। नेक्स्ट, स्कॉच नेशनल अवार्ड 2023, कर्नाटका स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। क्लियर है जी, इनोवेशन फॉर 1 crore एक्सीडेंट रिलीफ सरेज सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट, पद्मा पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जावेद अख्तर इज सेट टू बी ऑनर्ड विद द पद्मा पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन छत्रपति। मार्क करते चलिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हमने बार बार कर चुके हैं और आगे भी आएंगे। रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड, अतुल शाह अ प्लास्टिक सर्जन हैज बीन ऑनर्ड विद द रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू लेप्रोसी। डॉक्टर शाह डिवाइज अ सिंपल सर्जरी टेक्निक 1 in 4 लासो। जेसीबी लिटरेरी प्राइज, परुमल मुरुगन विंस द जेसीबी लिटरेरी प्राइज फॉर हिज नॉवल फायरबर्ड। क्लियर है जी, जेसीबी ग्रुप ने दिया, ये कुछ नहीं याद रखना आपको, बस इतना याद रखना जी, परुमल मुरुगन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, मिस यूनिवर्स 2023, काश मैंने फोटो लगाई होती, इस समय 500 बंदा लाइव खड़ा होता,
निकारागुआ की शाइनी पेलाक्यूस, शाइनी को मिला मिस यूनिवर्स निकारागुआ की इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट 2023। हुआ था ये सैन सेल्वाडोर में, जो कि साउथ अमेरिका में। इज एवरी वन क्लियर? शाइनी प्लाचियो, इसको प्रोनाउंस करते हैं प्लाचियो, ठीक है जी। नेक्स्ट मारेंगे शाइनी के बाद बहाल बाल साहित्य पुरस्कार, दिलीप नोंगमाइथम ऑथर इन द मणिपुरी लैंग्वेज फॉर हिज रिमार्केबल वर्क एल्बम बसुंगा बंगंगा चंबा फॉर इंग्लिश इट इज गिवन टू सुधा मूर्ति। आ गया उनका सुधा मूर्ति का प्राइज है। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, सूर्यनाथ फॉर कटो कटब लिटरेरी। ना भाई बाद में जाए, ये इतना नहीं ज्यादा याद करना। नेक्स्ट मार्क करिए डच स्पिनोजा प्राइज, जल्दी मार्क करिए डच स्पिनोजा प्राइज। जोयता गुप्ता फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडम में ये काम करती है, प्रोफेसर है। अवॉर्डेड द डच स्पिनोजा प्राइज फॉर द वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। माका डागा। नेक्स्ट वन केमिस्ट्रीज नाइलॉम प्राइज फॉर एजुकेशन, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज नाइलॉम सोसाइटी प्राइज फॉर दिस थिंग। सविता लडागे जो कि एक प्रोफेसर है होमी बाबा सेंटर फॉर साइंटिफिक एजुकेशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, इनको मिला प्रेस्टीजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री नियम प्राइज फॉर एजुकेशन। इज एवरी वन क्लियर? ये टेढ़े मेढ़े नाम पेपर में आ जाते हैं जी, एनडीए के पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर से आ गया ना, और यहां सीडीएस के पेपर में जैसे मर्जी पुट्ठा टांगना पुट्ठा टांगिए, सीधा टांगना सीधा टांगिए, मर्जी आपकी है। पर ये कोड पक्का लगा लेना मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतीक तक 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 सिला 50% ऑफ है, बाद में मत कहना बताया नहीं। नेक्स्ट वन 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, इसको मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड। कंपैशनेट ड्रामा शेड लाइट ऑन अननोटिस एंड अनकेयर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पेरिफरी। भूटान्स नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड द ग्लोब गोल्ड मेडल डॉक्टर पूनम खेतरपाल सिंह, रीजनल डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ, इनको अवार्ड दिया भूटान्स नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। जिग्मे खेसर नामग्याल एंड वांगचुक, ये इकट्ठा एक ही नाम है भाई, अलग अलग नहीं है। भूटान ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ भूटान्स इंटरनेशनल फड़का काटा। नेक्स्ट बढ़े जी, दुबे साहब तेजी तो नहीं हो रही, जल्दी मुझे बताइए, नहीं तो मैं तभी आगे बढ़ूंगा। खून पीड़ो हिट करो, लाइक करो, शेयर करो, कोई बंदे ही नहीं है। कल वाली वीडियो में अभी तक 200 व्यूज हैं, कहां पर भाई जिंदगी कहां पर लेके जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्यारे मित्रों अगला बढ़ाइए, अगला बढ़ते रहिए, अगला क्वेश्चन देखिए जी। सत्यजीत रे एक्सलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड 2023। एवरीबडी इज क्लियर? सत्यजीत रे एक्सलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड 2023
किसको मिला जी? माइकल डॉगलास। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन गोवा, वहां पर दिया जाएगा जी। मार्क करते रहिए, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूं, उससे आगे कुछ नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2022 और 2023, दोनों नाम याद रखने, और दोनों ही खून पीने चाइनीज है, जापानी है, कोरियन है, यही नहीं पहचान आती भी नाम कौन सा है, तुम क्या पहचानोगे? यूंगकिंग टैंग एंड रेंगजेंग जैंग, टैंग और जैंग को मिला, ये इतना याद रख लो, पेपर पा रहा है। तुमको हिंट दे दिया मैंने कैसे याद करना, टैंग को 22 में मिला, जैंग को 23 में मिला। इज एवरीवन क्लियर? फर्स्ट इज टैंग, देन इज जैंग, आगे वाला बागरी में गया, इंग इंग लगना ही है। नेक्स्ट बढ़िए, पक्का आना है ये। और ये रामानुजन जो शस्त्र अवार्ड है मैथमेटिक्स में मिलता है, जो लोगों ने 32 साल से नीचे कोई कंट्रीब्यूशन किया, 32 साल के बाद नहीं, इसलिए अभी आप लोग एलिजिबल हो। मैं होऊंगा कि नहीं पता नहीं मुझे, अभी ना तुम ज्यादा बात खिला देना, अभी तो भाई दांत भी नहीं टूटे और बाल तो भी आने शुरू होने हैं। नेक्स्ट बढ़ते आगे, जल्दी बढ़ेंगे आगे, क्लियर है? टैंग और जैंग। नेक्स्ट आइए, यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलिस 2023, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स, क्लियर है जी? वर्सेलिस प्रिक्स 2023 का बेंगलुरु कैंप पगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी 22 कहां पे भाई, अभी टीन एज खत्म नहीं हुई मेरी, तू बीच में 22 बना दिया। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलिस प्राइज मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का दिया गया किसको? कैंपेगौड़ा, यहीं पे जाना हमने, बेंगलोर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी अगले पे, 51st इंटरनेशनल एमी, मार्क कर लीजिए, पक्का आना है, एमी अवार्ड वीर दास को मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंडिंग ऑन मंडे। मैं आ गया जी बिल्कुल शांति निकेतन को दिया, मन्ने भी पता तन्ने भी पता, टेंशन वाले वो भी कराएंगे जब आएगा टाइम। मां कर लिया जी वीरदास, लैंडिंग ऑन मंडे, जो कि नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आई थी, सीरीज नहीं एक आया था शो इनका, तो उनको कॉमेडी कैटेगरी में ये अवार्ड मिला। एंड शेयर्स द ऑनर विद द ब्रिटिश सीरीज डेरी गर्ल्स सीजन 3। और एकता कपूर को मिला डायरेक्टरेट अवार्ड फॉर अ ट्रेल ब्रेजिंग करियर एंड इंपैक्ट ऑन इंडियन टेलीविजन लैंडस्केप। नेक्स्ट, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2022 नहीं कुछ भी, आरबीआई के गवर्नर को मिला चेंज मेकर ऑफ द ईयर, हिंदू बिजनेस ग्रुप ने दिया, और आनंद मिल्क अमूल ने आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल, जो डीवाई चंद्रचूड़ है वो वहीं से ही पढ़ के आए, जो इस समय प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते, बहुत बेहतरीन जजमेंट्स है इनकी, उनके लिए याद रखे, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप हार्वर्ड लॉ स्कूल ने दिया। लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कह अमीरों को ही होना, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR किनको मिला? नीता अंबानी, क्लियर है जी?
नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज, सुकृता पॉल सिक्स्थ रिसीपिएंट फॉर हर बुक सॉल्ट एंड पेपर, क्लियर है जी, मार्क कर लीजिएगा जी। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दीज। मैन ऑफ द ईयर अवार्ड बिल्कुल जी, अभी अभी अमित शाह जी ने दिया है, किसको, हेमंत के श्रीनिवास सालूलो, डायरेक्टर ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ट्रेड काउंसिल, मार्क करिए पक्का आना ये, एलपी हेमंत श्रीनिवासालु, इंडिया में नहीं है ये, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन ट्रेड काउंसिल के हेड है ये, डायरेक्टर है। मार्क करिए अगला, पहले हमने पढ़ा एमी अवार्ड जो वीरदास को मिला, अब देख रहे हैं हम ग्रैमी अवार्ड, फाल्गुनी शाह अ ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन वोकलिस्ट एंड सॉन्ग राइटर, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी एट 2024 ग्रैमी अवार्ड फॉर हर सॉन्ग अबंडेंस इन मिलेट्स, पक्का याद रखना फाल्गुनी शाह को मिला अबंडेंस इन मिलेट्स के लिए, उनका गाना ये, पक्का मार्क करिए जी। फाल्गुनी शाह, मैं क्या जी, करंट अफेयर सभी को याद आ रहे हैं, याद हो जाएंगे, मार्क करिए। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस, ये भी अलग ही आवाज है, सलमान रश्दी फॉर वक्लाव हवेल सेंटर, उनकी किताब थी नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, मार्क करिए अगला। क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक कंपटीशन, पाकिस्तान बेस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शी गार्ड वैसे पूछने वाले, हैज बीन नेम्ड द विनर एट क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फाइनल्स फॉर इनोवेटिव बायोडिग्रेडेबल एंड प्लास्टिक फ्री सेंट्री पैड। गंसा मरागिनी लता मंगेशकर अवार्ड, क्लियर है जी। सुरेश ईश्वर वाडकर, ये पता नहीं कौन सा है जी, गंसा मरागिनी, सिद्धा लता मंगेशकर अवार्ड मिला सुरेश ईश्वर वाडकर। स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा, क्लियर है जी, लेजेंडरी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को मिला, और कुछ नहीं इसमें याद करना जी। नेक्स्ट, बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरीज का, जो कि अभी अभी ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहां पर, दिल्ली में, ये सीधा पेपर में आ सकता है जी, और उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरी का दिया गया, या का जल्दी मार दो बड़काटा। मैं कह रही दहन प्राइज, ये पंजाबी भाषा के लिए मोहाली जहां से मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, दीप्ति बबूता फर्स्ट वुमेन टू बैग दहन प्राइज, पंजाबी लैंग्वेज भुख एवं साह लेंदी है कि जो भूख है ऐसे सांस लेती है, कैसे वो तुमको पता होना। उसके बाद ये प्राइज कनाडा इंडिया एजुकेशन सोसाइटी ब्रिटिश कोलंबिया देती है, नथिंग टू वरी अबाउट इट, मेरे को लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे ये। बीबीसी रिसेंटली अनवील्ड 11th एडिशन ऑफ बीबीसी 100 वुमेन लिस्ट फॉर 2023, इनके नाम याद रखने हैं जी पक्का। मैं कह जी यूपी को हमेशा सलाम है जी, कितने बड़े बड़े हस्तियां यूपी ने दी हैं। दिया मिर्जा क्रिकेटर, हरमनप्रीत कौर फोटोग्राफर, अरानती कुमार राव और तिब्बतन बुद्धिस्ट
जितसुन्ना तेंजिन पालमो, एक ही है ना, कट्ठे नहीं है। तेंजिन, हरमनप्रीत, दिया मिर्जा, और ये पांचों को बीबीसी 100 विमेन लिस्ट ऑफ 2023 में इन औरतों के नाम आए हैं जी। क्लियर है? चलिए आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएनएचसीआर ह्यूमन राइट्स रिफ्यूजी अवार्ड फॉर ग्लोबल लॉरिएट अब्दुल्ला ही मायर फॉर हिज वर्क फॉर राइट टू एजुकेशन फॉर डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट, गोल्डन पीक ऑफ बेस्ट फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स, ये पेपर में आने नहीं, तो ज्यादा इस पे फोकस करना नहीं, समझ गए? इनको देखना है पहले, ये पक्का आता है, हर बार ही आता है, अगर आपको पता हो। बिल्कुल फीमेल है जी, ये आपके सीडीएस में एनडीए में आते ही आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बारी सूरत और इंदौर दोनों को मिला है क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड। क्लियर है? और क्लीनेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया महाराष्ट्र, उसके बाद एमपी एंड छत्तीसगढ़। पहली बारी हुआ कि दो स्टेटों को इकट्ठे दिया गया, दो शहरों को, इंदौर और सूरत। नवी मुंबई तीसरा स्पेस था। सातवीं बार इंदौर को मिला क्लीनेस्ट सिटी का। एवरीबॉडी इज क्लियर? याका बाका डाका। नेक्स्ट, की पैरामीटर्स पक्का पूछ सकता है जी। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, सोर्स एग्रीगेशन, क्लीनिनेस फॉर पब्लिक एरियाज, क्लीन वाटर बॉडीज, सिटीजन फीडबैक ऑफ सिटी क्लीननेस, और थीम क्या था ये भी पूछ सकता है, वेस्ट टू वेल्थ। क्लीनेस कंटोनमेंट बोर्ड माऊ मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद क्लीनेस गंगा टाउन प्रयागराज वाराणसी, सफाई मित्रा सुरक्षित शहर चंडीगढ़। माशाल्लाह, चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़, आइएगा जरूर चंडीगढ़, चाहे कोचिंग ना भी लेनी हो तो भी आइए, अगर लेनी हो तो भी आइए, पर आइए। इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख, सस्वद पतन एंड लोनावला, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ कैंपेन, स्वच्छ भारत मिशन एंथम, कैलाश के नया संकल्प है, नया परिकल्प है, माँ का यह। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बढ़िए जी, बिसाठी भारत फ्रॉम अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट वॉज सिलेक्टेड फॉर नेशनल यूथ अवार्ड। बिसाथी भारत, क्लियर है जी? स्वामी विवेकानंद का 12 जनवरी को ये मनाया जाता है जी, बिसाथी भारत बर्थ एनिवर्सरी पे। वैसे आप सभी को पता ही है 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है, उस दिन नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया जी। नृत्य कला निधि अवार्ड वस्था लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, ये भाई नाम आपको मैंने पहले भी बताया, याद रखिएगा, कपूरी ठाकुर, भारत रत्न पोस्थमसली इनको दिया जा रहा है। विवेक मेरे भाई इतनी देर बाद आ रहा है दोस्त, तुझे एक बारी भी नहीं मेरी याद आई। आपदा प्रबंधन पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को दिया गया जी। सेल्फलेस सर्विस रेंडर्ड बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये 23 जनवरी को दिया जाता है अवार्ड, क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है, याद रखेगा जी, पक्का आना।
60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल भी, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड छत्तीसगढ़ के इलेक्टोरल ऑफिसर थे रीना बाबा साहब कंगाले, याद है? क्लियर है जी? ये हमने पहले भी पढ़ दिया, फोर्थ विंग्स इंडिया अवार्ड्स। बेंगलोर और दिल्ली एयरपोर्ट को इकट्ठे मेक द बेस्ट एयरपोर्ट एंड इन द सिविल एविएशन। विस्तारा को मेरा बेस्ट एयरलाइन ये कुछ नहीं आने वाला नहीं, अगर ये पूछने शुरू कर दे फिर तो हो गया काम। रिपब्लिक डे पे आपके एनडीए में क्वेश्चन आता ही आता, हर बारी अगर आप पेपर उठा लो, इवन सीडीएस में भी आता है रिपब्लिक डे पे, जो 2024 का हुआ, इमैनुअल मैक्रॉन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनको मिला चीफ गेस्ट का न्योता था। 75th रिपब्लिक डे था जी इस बारी, क्लियर है जी? और इंडियाज मिलिट्री प्रोवेस एंड दिस कल्चरल डाइवर्सिटी विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन नारी शक्ति, जो परेड थी मोस्टली इस पर बेस्ड थी। ऑल वेमेन ट्राई सर्विसेज पहली बारी कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड एंड एनसीसी डायरेक्टरेट महाराष्ट्र कंटिजेंट सिक्योर द प्राइम मिनिस्टर्स बैनर। नेक्स्ट बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट एंड टेब्ल्यू अवार्ड फॉर रिपब्लिक डे, मिनिस्ट्री डब्ल्यू किसको मिली है? सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। और पॉपुलर चॉइस बेस्ट डब्ल्यू वॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाइब्रेंट विलेजेस के नाम पे। क्लियर है? ये भी बताया हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लें क्योंकि यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। जजेस चॉइस के हिसाब से टेब्ल्यू अवार्ड में ओडिशा पहला था वेमेन एम्पावरमेंट, सेकंड था गुजरात धोर्दो अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म। तमिलनाडु कोदावलो सिस्टम इन एंशियंट तमिलनाडु मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यागा पीपल्स चॉइस में गुजरात पहले नंबर पे था, यूपी विकसित भारत सम्राट और आंध्र प्रदेश। मार्चिंग कंटिजेंट में मिला जी सिख रेजिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्चिंग कंटिजेंट अबंग सीएपीएफएस दिल्ली पुलिस वुमेन। मार्चिंग कंटिजेंट पॉपुलर चॉइस ये सब देखने हैं, माफ करिएगा भाई, याद हो जाएंगे ये भी प्यारे मित्रों। हो रही हैं चीजें दिमाग में, बैठ रही हैं कि नहीं? आपका अवार्ड का कोई टॉपिक रहना नहीं चाहिए, फरवरी सारा हमने ठोक दिया है, मार्च भी ठोक दिया है। कोविंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 बंगाली राइटर शिर शेंदु मुखोपाध्याय को कोविंपु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया जी टू एनी इंडियन लैंग्वेज। असम वैभव अवार्ड असम का मिला वहां पे चीफ जस्टिस को गगोई, क्योंकि वहीं गया है, उनको दिया वैभव अवार्ड। स्वामित्व स्कीम रिसीव्स बेस्ट इनोवेशन अवार्ड एट पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स। दोस्त होता गया, जब हम मजाक भी करते हैं ना किसी करंट अफेयर पे, वो कहीं ना कहीं खोपड़ी में घुस जाता है, और ये है ही गेम है। करंट अफेयर्स इज नॉट लाइक अ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू गिव अ बिग टाइम, यू जस्ट नीड टू रिवाइज इट। समझ रहे हैं? तो बहुत आसानी से बनता है जब आप रिवाइज करते हो, राज राज इनको चीजों को थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए, मेरे को नहीं लगता, नहीं तो अगर ना बीच में स्लैंग मारू ना ऐसे लोगों तो बोर लगता। बिल्कुल मजा आता जब आप महीने के करंट अफेयर रखे और सारे मिक्स हो जाए, पर हकीकत यह कि पेपर में मेरी याद आएगी आपको, पेपर में यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इफ यू हैव रेड इट इन सेक्शन वाइज, क्योंकि आपको पक्का पता इस सेक्शन से एक क्वेश्चन आना है, इस सेक्शन से एक क्वेश्चन आना, तो आप उसको रिवाइज करते रहोगे। क्लियर है जी? इसलिए दोस्त मैं कहता हूं हमेशा रिवाइज करिए और ऐसे पकड़िए, क्योंकि अगर पढ़ाई बोरिंग है ना तो स्कोरिंग भी वहीं से ही है जी। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को मिला फर्स्ट प्राइज
फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग इनिशिएटिव्स इन लैंड गवर्नेंस, सो स्वामित्व स्कीम वॉज कन्फर्ड विद द ग्लोबल अवार्ड फॉर द कैटेगरी इनोवेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ई गवर्नेंस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. नेशनल पंचायती राज डे को ये स्वामित्व, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग एंड इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी दिया गया जी. और इस पर मैंने आज आपको क्वेश्चन भी डाला था जी. क्लियर हो गया जी. ये नोबेल प्राइज मैं आपको करवा चुका हूं, शॉर्ट्स में भी जरूर चेक करिएगा अनअकैडमी के. मैंने पेरे गार्डन का पेन भी आपको बताया था. पेरे गार्डन याद है, पेरे गार्डन सुनी हुई है कंपनी, एक पेन बनाती है, वहां से हमने याद रखा था. फ्रैंक होना है एनी के साथ तो उसको पेरे गार्डन का पेन देना पड़ेगा. उसके बाद हमने बात की थी मूंगी, याद आ रहा है, एलेक्सा और ब्रूस. और मेडिकल वाला कातिल वाइजमैन, इसको जरूर चेक करेगा. मैं अभी बात ये करना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो ये टाइम है जी सब्सक्राइब करने का, क्योंकि अभी 50% ऑफ है. इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जाम्स, दे कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब. आज ही करिए रात को ही. अगर आपका कोई भी भाई, या आपने तैयारी करनी, या आपका वैलेंटाइन डे तो अब निकल गया भाई, फिर भी सखी या जिन पे आपको लगता है जिनको तैयारी करनी चाहिए, आपके साथ एकेडमी जाना चाहिए, उन तक ये कोड पहुंचाए. ये ध्रुव 2.0 कंप्लीट बैच 11 अप्रैल से आ रहा है. सीएपएफ का 4 अप्रैल से बैच आ रहा है. योद्धा सीडीएस 2 मार्च 28 से और रणभूमि मार्च 21 से. मौका है, चौका मारिए और सब्सक्राइब कर डालिए. शर्माना बिल्कुल नहीं है जी. एनडीए 2 का रणभूमि बैच 21 मार्च से चल ही रहा. CDS2 का योद्धा कंप्लीट बैच चल रहा है. सबसे बड़ी बात है द एजुकेटर्स हियर, मुक्तक सिंह राठौर सर, विशाल सर, अखिल कुमार रॉय सर, दीज आर द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द सेपरेट सब्जेक्ट है मैथ्स. पूरा अखिल कुमार रॉय सर पढ़ाते हैं, धीरज शर्मा सर इंग्लिश कराएंगे और नीतू ढाका मैम साइंस का बड़ा नाम है जी. जरूर ज्वाइन करिएगा. योद्धा में सिद्धांत शर्मा सर और संदीप कुमार सर. V2.1 कंप्लीट बैच फॉर CFF, अगेन जगताप सर जो कि पेपर 2 के काफी माहिर है मेरे भाई. बहुत ही चीप रेट है, तू चेक करेगा दो, या मेरे को अब एग्जैक्टली पता नहीं, बस कोड तूने यही लगाना, भूलना मत. बाकी 50% ऑफ की जिम्मेवारी मेरी है. या का नेक्स्ट बढ़िए, ध्रुव 2.0 कंप्लीट बैच, तो 50 डेज हार्ड चैलेंज लगाइएगा, लगा ही रहे हैं आप, मेरी क्लासेस देख सकते हैं. और आपको यहां पर पीडीएफ्स भी सारी उपलब्ध है जी. लास्ट 5 मंथ्स करंट अफेयर्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी 5 महीनों की टिल मार्च, हिंदी और इंग्लिश दोनों में. So, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो QR कोड स्कैन करें, और अगर इंस्टाग्राम ज्वाइन करते हैं तो भी इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप एवरीबडी एंजॉयड. मैं चेहरा दिखा नहीं पाया क्योंकि करंट अफेयर अवार्ड सेक्शन हमने बहुत इंपॉर्टेंट वाले सब कवर कर लिए हैं. कल हम डिस्कस करेंगे एक और करंट अफेयर का पड़ाव, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात. तो लगे रहिए, जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए. तैयारी पक्का, पेपर पक्का इस बारी होगा जी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. जय हिंद एवरीवन. क्लियर है जी, तैयारी चलती रहे. थैंक यू जी.